ब्रेक परे स्वागत। द्वितीय टॉपिक उपरे नजर पकाइबा। आज विश्व उच्च रक्तचाप दिवस। बदलुथिबा जीवनशैली सहित लोकंकर रक्तचाप दिनकु दिन वृद्धि पाउछि। एभली परिस्थितिरे एहाकु नियंत्रण करिबा अत्यंत जरूरी। प्रति वर्ष एक निर्दिष्ट विषय वस्तुकु नै एही दिवस पालन करा जाय। वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे। आसंतु देखिबा आमर स्वतंत्र उपस्थापन। आज विश्व उच्च रक्तचाप दिवस। प्रतिवर्ष मे 17 तारीख में विश्व उच्च रक्तचाप दिवस समग्र विश्व में पालन कराए, जहाँ को विश्व हाइपरटेंशन दिवस कहुए। विश्व अनेक रोगी उच्च रक्तचाप पीड़ित। उच्च रक्तचाप विषय लोकों मध्य सचेतनतार अभाव एवं भी रुचे। लोक मैंने हालुका भाव ग्रहण करती, किंतु उच्च रक्तचाप अनेक प्रमुख रोगर कारण होता है। बदलुवा जीवनशैली सहित लोकं रक्तचाप दिनकु दिन वृद्धि पाए। एभली परिस्थितिरे एहाकु नियंत्रण करिबा मध्य अत्यंत जरूरी। प्रति वर्ष एक निर्दिष्ट विषय वस्तु को नै एही दिवस पालन करा जाय। चलित वर्षर थीम हेउछि तुमर रक्तचाप को सठिक भावरे माप, एहाकु नियंत्रण कर एवं अधिक दिन बंच। चलित वर्षर ये हेउछि थीम। ए संपर्क में आम अधिक आलोचना करिबा। आम सहित प्रोफेसर डॉक्टर श्रीकांत धरा सम अल्टीमेट्रु रहुछन्ते। डॉक्टर धरा, आपनकु स्वागत करुछु आलोचना को। उच्च रक्तचाप दिवस कारण कौन, निराकरण कौन, एवं किभली भावे लोके याकु नै सचेतन हेबे, विस्तृत भावे आपण कठारु परामर्श नेबा पय चाहिबो। देखंतु मधु, आपण प्रति वर्ष आमे मे 17 रे विश्व उच्च रक्तचाप दिवस मनाऊ। यार गोटे कारण है, प्रति 5टी लोक रे गोटे विश्व रे ब्लड प्रेशर अच्छी, उच्च रक्तचाप अच्छी। आ देश कथा जदि देखिबे, प्रति 3टी लोक रे गोटे लोक को उच्च रक्तचाप अच्छी। आ सबुटु बड जिंस है, ग्रामांचल रे भी 25-27% पर्यंत लोकंकर अच्छी, एवं सहरांचल रे जदि 33-35% लोकंकर ब्लड प्रेशर अच्छी। आउ आहुरी गोटे खराब जिंस है, सेतरु देखा जाय छि पाखापाखि 12-15% लोकंकर ब्लड प्रेशर कंट्रोल नाही। आपण एटा भी जानिथिबे जे ब्लड प्रेशर रो प्रमुख कारण है जीवनशैली रे परिवर्तन। आपणकर किछिटा जेनेटिक फैक्टर अछि, 30-40% कहि परबे। जदि हम माँ बापा को अछि ताले आपणकु ब्लड प्रेशर होवार संभावना अछि। किंतु सबुठु बड़ कारण है आम जीवनशैली रे परिवर्तन। कम समय शोइबा, आपणकर जो जीवनशैली रे परिवर्तन, बेसी कैलोरी युक्त खाद्य खाइबा, एक्सरसाइज कम करिबा, कम निद्रा जिबा, स्ट्रेस नबा, ए सबु जो कारण होउछि वर्तमान जोटा बढ़ुछि। आउ अन्य रोग गुड़िक जो बढ़ुछि, डायबिटीज बढ़ुछि, कोलेस्ट्रॉल बढ़ुछि, मेद बहुलता बढ़ुछि, ए सबु कारण होउछि ए ब्लड प्रेशर बढ़िबार। ताकु सचेतन करिया पई आमे जानिचे ए परिसंख्या दिनकु दिन बढ़ुछि। चिंतार कारण इया जे वर्तमान छोट छुआ मानकु मध्य, गर्भवती महिला एवं सबु वर्ग को ब्लड प्रेशर रोग बाहरुछि। आउ यार कॉम्प्लिकेशन हेले ही या जणा पडुछि। आपण देखुथिबे सामान्य ब्लड प्रेशर जेतेबेले बढ़िथिबो काहाकु किछि जणा पड़े नाही, किंतु जेतेबेले कॉम्प्लिकेशन हुए जेंदि कि स्ट्रोक हेला कोंतु, ब्रेन रे रक्त संचालन कम हेला कोंतु, किडनी अफेक्ट हेला कोंतु, तापर जाकि जते जणा पड़े यार कोनसी समस्या है कि नाही। तेणु प्रारंभिक पर्यायर लोक मानक सचेतन करवा, केमी मेजर करवा, नियंत्रण करवा, प्रिभेन्ट करवा। जमी आपंट आज गोटे थीम अच्छी जो आम मेजर इट कंट्रोल इन लिव लॉन्गर। आदि आप जीवनशैली किसी परिवर्तन आज आप मोटा अच्छा, आपर कोलेस्ट्रोल अधिका अच्छी, डायबिटीज हिस्ट्री अच्छी, फादर फादर कि ब्लड प्रेशर अच्छी, तेल आप सचेतन हवा जरूरी अच्छी। निजे मेजर कर शिखंतु कई को उपाय मेजर करेंगे जानवा दरकार। कंट्रोल करने आप डाक्तर परामर्श नि बहुत देखा जाए लोक मैंने ब्लड प्रेशर औषध खाते कि ठीक है छाड़ दिखते, तेणु तो कम्प्लिकेसन हमारे संभावना था। आपटा भी आम डिस्कशन करछे कॉम्प्लिकेशन जेंदि कि हार्ट को अफेक्ट करबा, किडनी अफेक्ट करबा, स्ट्रोक हबा, ए सब कॉम्प्लिकेशन हेला परे ताको रिवर्सिबल करा जाय पारेनी। तेणु प्रारंभिक पर्यायर जेतेबेले आमे ताको निरूपण करबा, आमे जदि जीवनशैली रे परिवर्तन करबा, संभवत आमे याठारु मुक्ति पाइ परबा एवं औषध ठारु मध्ये मुक्ति परबा। तेणु आजिरो आमर जो आह्वान जो आपनको कंट्रोल इट मेजर इन ए लिव लॉन्गर, तेणु सुस्थ जीवन जापन करिया पई आमे ब्लड प्रेशर को जानिबा दरकार अछि। सेति पई आमर आज एई प्रयास मधु निहाती भाव में डॉक्टर धारा जहाँ आप कहले जानवा को निहाती आवश्यकता रोचे। आम जहाँ आलोचना करुले आपंकर कह कथे अनेक लोक जापारती ना जितेबले सीवियरीटी केस को आसी जाए से लोक जिते चेकअप कराई से जानी से उच्च रक्तचाप पीड़ित, तेणुतापी सिम्टम्स कौन रोचे से आईडिया देवाई चाहिए, परामर्श कौन देवाई चाहिए आम दर्शक मानक।
ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର ଆମ ପାଇଁ ନିହାତି ଦରକାର, ଆମ ରକ୍ତର ପ୍ରବାହଟା ଜୀବନ ପ୍ରବାହ ପାଇଁ ରକ୍ତ ପ୍ରବାହ ଦରକାର ଅଛି, ତେଣୁ ନର୍ମାଲ ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର ରହିବା ଦରକାର ଅଛି। ନର୍ମାଲ ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର ହେଉଛି 120 to 80, ଯେତେବେଳେ ୟାଠୁ ଅଧିକା ହୁଏ ଆମେ ତାକୁ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ କୁହାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଜିଂ ଅଛି, ଷ୍ଟେଜ 1, ଷ୍ଟେଜ 2 ପ୍ରି ହାଇପରଟେନସନ, 120ରୁ ଉପରକୁ ହେଲେ 130 ପାଖାପାଖି ହେଲେ ପ୍ରି ହାଇପରଟେନସନ କୁହାଯାଏ। ଅଳ୍ପ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର ବଢ଼ିଥାଏ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବି ଲକ୍ଷଣ ହେଇନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟେଜ 2, ଷ୍ଟେଜ 3 ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛିଟା ସିମ୍ପଟମ୍ସ ହେଇପାରେ। ମୁଁ ଆଗରୁ ବି କହିଛି ଯେ ବହୁତ ସମୟ ଧରିକି ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଲକ୍ଷଣ ବିହୀନ ହେଇଥାଏ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଜାମ୍ ଜାମ୍ ଲାଗୁଛି, ନିଦର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି, ନିଦ ହେଉନାହିଁ, କିମ୍ବା ଚାଲିଲା ବେଳେ ଟଳମଳ ଲାଗୁଛି, କୌଣସି ବି କମ୍ପ୍ଲିକେସନର ଲକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ, ଯେମିତି ଯଦି ହାର୍ଟ ଉପରେ ପ୍ରେସର ପଡ଼ୁଛି, ନିଶ୍ୱାସ ନେବାରେ ଅସୁବିଧା ହେବା, ଚେଷ୍ଟ ପେନ୍ ହେବା ଏବଂ ଧଇଁସଇଁ ହେବା, ଏସବୁ ଲକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ କମ୍ପ୍ଲିକେସନ ହେଲେ, ଯେମିତି ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଛି ରକ୍ତ ପ୍ରବାହ ଯଦି ବ୍ରେନ୍କୁ କମିଗଲା, ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହେଲା, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ୱିକନେସ୍ ହେବ, କୌଣସି ସମସ୍ୟା ହେଇପାରେ, ସ୍ନାୟୁଜନିତ ସମସ୍ୟା ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ମେଦବହୁଳତା ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ବୟସ ଅଧିକା ହେଲାଣି, ଆପଣଙ୍କର ଏହିସବୁ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଉଛି, ଆପଣ ସଚେତନ ନାଗରିକ ହିସାବରେ ନିଜେ ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର ଘରେ ମାପି ନେବା ଦରକାର ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଆଭେଲେବୁଲ ମେସିନ୍ ଅଛି, ଘରେ ବି ଚେକଅପ୍ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଅଧିକା ରହୁଛି ଆପଣ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ଦରକାର ଅଛି, ତାର ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ପରୀକ୍ଷା ଅଛି, ଯେମିତି କୋଲେଷ୍ଟ୍ରୋଲ ଚେକଅପ୍ କୁହନ୍ତୁ, ସୁଗାର ଚେକଅପ୍ କୁହନ୍ତୁ, ECG କୁହନ୍ତୁ, ହାର୍ଟର ଚେକଅପ୍ କୁହନ୍ତୁ, ଏସବୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ତାର କମ୍ପ୍ଲିକେସନ ହେଇଛି କି ନାହିଁ ଜାଣିପାରିବା, ଏବଂ ତା ଜନିତ ସମସ୍ୟା କିଛି ଅଛି କି ନାହିଁ ଜାଣିପାରିବା। ତେଣୁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନିରୂପଣ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସଚେତନତା ଦରକାର ଅଛି। କେଉଁମାନେ ଭଲନେରେବୁଲ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବେଶୀ ହେବା ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି, ଯେମିତି ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଥିଲି ଯାହାଙ୍କର ମେଧବହୁଳତା ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ଷ୍ଟାଟିକ୍ ଜୀବନ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ସେଡେଣ୍ଟାରୀ ଲାଇଫ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଅତ୍ୟଧିକ ତେଲ ମସଲା ଜିନିଷ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି, ଲୁଣ ଅଧିକା ଖାଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଲକ୍ଷଣ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା, ମୁଣ୍ଡ ଜାମ୍ ଜାମ୍ ଲାଗିଲା, ନିଦର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଲାଗିଲା, ବାନ୍ତି ବାନ୍ତି ଲାଗୁଛି, ଏସବୁ ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର ଚେକଅପ୍ କରିବା ଜରୁରୀ ଅଛି, ଏବଂ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁଯାୟୀ ଚିକିତ୍ସା ଏବଂ ତଦନୁଯାୟୀ ଔଷଧ ମଧ୍ୟ ଖାଇବା ଜରୁରୀ ଅଛି। ମଧୁ ନିହାତି ଭାବରେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ରାମ ସହିତ ରହିଥିଲେ ସିଧାସଳଖ, ଯିଏ ଖବର ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ଯେହେତୁ ଆଜି ବିଶ୍ୱ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ଦିବସ, ତେଣୁ ଏହି ଦିବସକୁ ଆମେ କିଭଳି ପାଳନ କରିବା, ଆମ ରୋଗର କିଭଳି ଭାବରେ ସିମ୍ପଟମ୍ ଯାହା ରହୁଛି ଆମେ ତାକୁ ଜାଣିବା କେମିତି, ତା'ର ନିରାକରଣ କରିବା କେମିତି, ତାହା ହେଉଛି ପ୍ରମୁଖ କଥା। ଏବଂ ଚଳିତ ବର୍ଷର ଯାହା ଥିମ୍, ତୁମର ରକ୍ତଚାପକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ମାପ, ଏହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କର ଏବଂ ଅଧିକ ଦିନ ବଞ୍ଚ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ଏହି ବିଶେଷ ଥିମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପର ବିପଦକୁ ନେଇ ଅବଗତ କରାଇବ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ସ୍ୱଳ୍ପ ଆୟ କରୁଥିବା ପରିବାରମାନଙ୍କୁ ରକ୍ତଚାପ ପରୀକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସଠିକ୍ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟାସ କରାଯିବ। ଏବଂ ଯାହା ଆମ ସହିତ ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ଶ୍ରୀକାନ୍ତର ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲେ, ସେ ଯାହା ପରାମର୍ଶ ଦେଉଥିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନର ଜୀବନଶୈଳୀ। ଯେହେତୁ ଆମର ଜୀବନଶୈଳୀରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, ଜୀବନଶୈଳୀରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସୁଛି, ତେଣୁ ଏ ସବୁକୁ ନେଇ ଆମର ରୋଗ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟ ବାହାରୁଛି। ଅତ୍ୟଧିକ ଟେନସନ୍, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛେ, ଏବଂ ଆମର ଖାଦ୍ୟପେୟ ଯାହା ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ, ନିଦ୍ରା ଠିକ୍ ଭାବରେ ନ ହେବା, ଇଏ ସବୁକୁ ନେଇ ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅନେକ କିଛି ରୋଗ ମଧ୍ୟ ବାହାରୁଛି। ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ଦିବସ ପ୍ରତିବର୍ଷ ମେ 17 ତାରିଖକୁ ବିଶ୍ୱ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ଦିବସ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି, ଯାହାକୁ ୱାର୍ଲଡ ହାଇପରଟେନସନ୍ ଡେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। ବିଶ୍ୱରେ ଅନେକ ରୋଗୀ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପରେ ପୀଡ଼ିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ବିଷୟରେ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଚେତନତାର ଘୋର ଅଭାବ ରହୁଛି। ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ହାଲୁକା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ଯାହାଫଳରେ ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ରୋଗର କାରଣ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ବଦଳୁଥିବା ଜୀବନଶୈଳୀ ସହିତ ଲୋକଙ୍କର ରକ୍ତଚାପ ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ଆଉ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ହେଲାଣି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ନେଇ ଏହି ଦିବସକୁ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହାର ଥିମ୍ ରହିଛି, ତୁମର ରକ୍ତଚାପକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ମାପ, ଏହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କର ଏବଂ ଅଧିକ ଦିନ ବଞ୍ଚ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ବିଶେଷ ଥିମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପର ବିପଦକୁ ନେଇ ଅବଗତ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଏହାସହ ସ୍ୱଳ୍ପ ଆୟ କରୁଥିବା ପରିବାରମାନଙ୍କୁ ରକ୍ତଚାପ ପରୀକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସଠିକ୍ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ
प्रयास मध्यों कराजीब। आज विश्व उच्च रक्तचाप दिवस प्रतिवर्ष मे 17 तारीख को विश्व उच्च रक्तचाप दिवस समग्र विश्व रे पालन करा जाउछि जहाको वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे आमे कहुछु। विश्व रे अनेक रोगी उच्च रक्तचाप रे पीड़ित अछंती। उच्च रक्तचाप विषय रे लोकंक मध्ये सचेतनतार अभाव रहुछे। संपर्क रे आमे अधिक आलोचना करबा। आम सहित स्टूडियो रे उपस्थित रहिछंती डॉक्टर चंदन दास। डॉक्टर दास आपनकु स्वागत करूछु आलोचना को। कोन आपनकर परामर्श रहिबो आमर दर्शक माननकु आज वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे रे? परामर्श यह जे आपण एथर जमी थीम अच्छे जे एक्यूरेट ब्लड प्रेशर मेजरमेंट करूँ एवं केमिति करिवे घरे गोटे गोटे मेसीन रखिकी करूँ किंबा घर पाखे कौन सी जगह जदि आपणकर अच्छी ब्लड प्रेशर मेजर करिवार एवं इम्पोर्टेंट जिनस होला आपण दिनक दुई थर मेजर करूँ थरे मॉर्निंग रे थरे इवनिंग रे सबुदिन नहले भी 4-5 दिन थर थर करंतु करिके देखंतु आपण ब्लड प्रेशर कंट्रोल हला कि नाही। बिकॉज़ खाली ब्लड प्रेशर उक्त रक्तचाप पई आपण औषध खाई देबाटा काम सरीगला सेमति न औषध खाइला पर आपण कंट्रोल जो आम टार्गेट अछि आपण विभिन्न विभिन्न एज रे विभिन्न प्रकार टार्गेट थाए तेणु आपको जो डाक्तर आपको जो टार्गेट देखते आपण सिस्टोलिक मानते उपरटा एतिक रही है डायस्टोलिकटा एतिक टार्गेट देते से टार्गेट को स्टिक करछन्दि कि नाही सेटा बहुत जरूरी। आम देखु बहुत जगह कि लोक मैंने औषध खाऊ भूली जाऊँ आम तो औषध खाऊ भल अच्छे कहीकिपर फलोअप करना बीपी कंट्रोल होगा कि नहीं देखु ब्लड प्रेशर कंट्रोल करवा निहाती जरूरी बिकज ब्लड प्रेशर गोटे मानने मानने भविष्य बहुत रोग एटा गोटे इट्स अ फ्यूचरिस्टिक डिजीज। आज जी आप रक्तचाप आप कंट्रोल न करती तेल धीरे 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 आप जेहतु अब्रप्टली किसी हुए आज जापारती कि धीरे धीरे आप किडनी आप हार्ट सबू अर्गन आप धीरे धीरे डैमेज होगा जाए एवं इंडिया रे नंबर वन कॉज प्रथम कॉज किडनी रोग रोचे हाइपरटेंशन डायबिटीज हूँ सेकेंड हाइपरटेंशन हूँ नंबर वन कॉज तेणु आज जी किडनी रोगी देखुं तार प्रमुख कारण हूँ गोटे सबुठ इम्पोर्टेंट कारण हूँ अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन तेणु निश्चित भाव रक्तचाप को डॉक्टर दास जहाँ बर्तमान कहते आलोचना आम कर समय तो सरी आसुच्छे कि बर्तमान पेसेंट जिते बड़े जा सारे जे मत उच्च रक्तचाप होता परवर्त परामर्श आप रखिले कि अनेक पेसेंट जा न था मत उच्च रक्तचाप है जिते बड़े सीवियरीटी आसी जाए मुंड बुलाई पड़ी जाए तापर जिते चेकअप कराए से जाए तेणु सिम्टम्स कौन प्रमुख रही था जहाँ को नहीं लोक टी सचेतन हे बहुत इंपोर्टेंट कथा कहले मुंड बुले पड़जाटा उच्च रक्त रक्तचापर सिम्टम्स नुहे मुंड बुले पड़जा मानते बहुत लोग जगह देखा है मुंड बुले कर प्रथम कारण हूँ रक्तचाप कमी गले लो ब्लड प्रेशर सिम्टम्स यहाँ अनफर्चुनेटली रक्त उच्च रक्तचापर सिम्टम्स प्राय लोकों पर किसी न थाए से जापारती जस्ट रुटीन चेकअप कले जना पड़े जदि आप देह खराब लगुच मुंड सिम्टम्स करती आमको भल लगुन आमको गोटे भल फिलिंग आसुनी मुंड केमती भारी भारी लगुच विरक्त लगुच आखि केमती लगुच टायर्ड लगुच एम सब सिम्टम्स नहीं मुंड बिंधे जो कहते हाई ग्रेड सडनली गोटे बीपी जब जन बढ़ी जाए उक्त बढ़ी तेल आप पछपट नेप अफ द नेक बिंधिया आरंभ हुए से गुड़ा से ही आम पाक आसिक बीपी देखें से कौन होता है ना बहुत अधिक ब्लड प्रेशर थाए कि यही जो मिड रेंज जोटा कि 130-150 वाला ब्लड प्रेशर जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर वाला रोगी किसी सिम्टम्स कहते से बहुत दिन पर्यटन अनडायग्नोस्ड ही रही जाती से आम पर प्रोब्लम है और धीरे 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 बढ़ी बढ़ी अर्गन डैमेज करवा आरंभ कै तेणु आम मेन काम होगा आप सिम्टम्स थाउ कि न थाउ आप रेगुलाली ब्लड प्रेशर मेजर करेंगे घर पाखे हो डाक्तखाना हो कि निज मेसीन रखिक हो सेटा मेजर करेंगे से सिम्टम्स उपर डिपेंड करेंगे आप नॉर्मली एमती रूटीन चेकअप भाया आप रूटीन वर्ष को थे थे आप ब्लड टेस्ट करते सुगर टेस्ट करस को थे थे कि छस को थे थे ब्लड प्रेशर चेकअप कर दर्शक मान डॉक्टर दास कौन मेसेज देखा चाहिए सर्टली देखो ये गोटे बड़ रोग तो मुझे कह बहुत कमन रोग आउ भारी मानने कंट्रोल करा रोग यही रोग को आप आयत्त करें
गोटे साधारण औषध खाई आयत्त करें किसी लाइफ स्टाइल बदलेंगे आपण खाद्यपेय कि बदल दरकार टी सल्ट एमाउंट कमेदे टी मोटापा मेद कमे रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे नर्माल टाइम औषध खाइबे बीपी औषध खाइबा पूर्व खाइबापर से किसी न था गोटे टाइम फिक्स करेंगे नौटू दसटा भितर मेडिसिन खाइर अच्छे नौटू दसटा भितर ही मेडिसिन खाइबे प्रत्येक मसरे प्रत्येक दुई मस थे चेकअप करेंगे आप टार्गेट को मिट कर कि ना बोले आपड़ा फॉलोअप चेकअप करेंगे एवं जहाँ जहाँ आप डाक्तर प्रिस्क्राइब करते मैंने टेस्ट करा पड़े रेगुलरली हाइपरटेंसिव पेशेंट को से गुड़ा आप करेंगे निहाती भाव में बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर चंदन दास आप आसे आपंकर बहुत समय आमको समय दे दर्शक मान परामर्श दे आपको बहुत बहुत धन्यवाद।